दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 26 जुलाई 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, मैं आपका दोस्त मंगल। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। आप कहते होंगे कि यार क्या तुमने आकाशवाणी लगा रखी है, कोई ऐसे आकाशवाणी होती है क्या? मैंने कि भाई मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। अब देखो ये आज के वीडियो में मैंने लिखे हैं, जो भगवान ने मुझे लिखा है। सबसे पहले मैं इसका लास्ट पार्ट बोलता हूँ, 7 नंबर। ये 1 2 3 4 5 मैं बाद में बोलूँगा। इसको लिखने के बाद मैं फिर मेरे इसका क्रम ऐसे बनेगा। आज जो देश दुनिया में हो रहा है, हम सभी चिंतित हैं और सभी सोचते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, मानवता पर ऐसी आफत नहीं आनी चाहिए। भाई आदमी पर ऐसी आफत क्यों आती है? सिंपल सा है कि भाई उसी के अपने कर्म होंगे, हैं ज़्यादातर तो। और भी कारण है और हम ये छोड़ देते हैं, भाई कर्मों का है फल है। उसके बाद क्या है कि मैं कोई काफ़ी छोटा सा था, तब मैं नारायण दत्त श्रीमाली जो जोधपुर वाले उनकी किताब पढ़ रहा था। उन्होंने एक उसमें लिखा था कि भाई क्या करें, ये बहुत से लोग हैं, इनमें क्या है कि ये हैं तो आदमी, दिख रहे आदमी, लेकिन इनमें जानवरों की आत्मा है। मतलब पहले ये जानवर थे जो बाद में ये आदमियों के रूप में इन्होंने जन्म ले लिया। मैंने कहा भाई ये नारायण दत्त साहब बड़ी फिलोसफी बता रहे हैं यार, ऐसा कैसे होगा, हम छोड़ देते थे, बच्चे ही तो थे। अभी कल परसों क्या हुआ, एक दो महीने पहले हमारी एक फेसबुक कनेक्टेड लेडी, उसने दिल्ली से लिखा, हम ऐसे ही चर्चा चलती रहती है, अरे सर जी दीज आर रेप्टिलियंस, ये लोग हैं ना उद्यम करने वाले, ये रेप्टिलियंस हैं, ये तो वही काम करेंगे जो रेप्टिलियंस को करना चाहिए। रेप्टिलियंस क्या करते हैं, जो रेप्टिलियन का काम है उनको तो हर एक दूसरा अपना भोजन दिखाई देता है, उनको तो हर एक दूसरा अपना भोजन दिखाई देता है। उसके बाद मैं भी सोचने लगा कि भाई यार दीज आर रेप्टिलियन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। आज मैं जब सुबह खड़ा हुआ तो मुझे भगवान ने एक नई बात बताई, मुझे अब देखो ये टाइमिंग का देख लेना, पहले ये बात बताई, दूसरी बात बताई, नई बात बताई कि अरे मंगल ये रेप्टिलियंस तो एक अलग बात, छोड़ो ये इनके माइंड कॉम्प्लेक्सेज हैं, ये जो अपने हालातों से जो दिमाग में जो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं, वे फूटती रहती हैं, उनका निस्तारण होता रहता है, इसलिए लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। मैंने कहा भाई ये बात सही है। मैंने मनी मन उस लेडी के लिए धन्यवाद दिया, बेबी जैसी अभी तो, यार ये रेप्टिलियंस हैं। फिर ये माइंड के कॉम्प्लेक्सेज हैं। अब भाई माइंड के कॉम्प्लेक्सेज कैसे हैं, तो भगवान ने मुझे बताया, देखो मंगल तुम यहूदियों को बुरा कहते हो, हाँ जी मैं तो खैर किसी को बुरा नहीं कहता, कि देखो इन्होंने क्या कर रखा है, गैंग ऑफ NWO क्या क्या बना रखे हैं, और ये दुनिया को तबाह कर देना चाहते हैं। इनका तुम देखो ये ऐसा क्यों बने, ये यहूदी ये ज्यूस, इनके साथ 1940 से 1945 में क्या हुआ, इन व्हाट ए क्रुएल्टी वे
बीज और बछड़ कितनी भयानक तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ। अब ये जो इनके दिमाग में कॉम्प्लेक्स बने हैं, वे कॉम्प्लेक्स इसके इसके लिए जिम्मेवार हैं कि ये दुनिया के साथ ऐसा करें, और ये ऐसा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सबसे ताकतवर बुद्धिमान लोग, उन्होंने देखा कि उनके फोर फादर्स के साथ क्या हुआ। इसका असली कारण तो यह है। मैंने कहा भाई अकेले रेप्टिलियंस नहीं, असली कारण ये है जो हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स बने वे का ये काम करा रहे हैं भाई। ये हमारे कर्णधार क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। मेरे सामने आया कि देखो मंगल, ये ब्रिस्टेक्स को देखो। क्या देखो? एक तो लोगों के पास पहले ही शिक्षा पैसा कुछ नहीं छोड़ा, और उसके बाद देखो लोगों ने ब्रिस्टेक्स लगाए। छाती खुली रखनी पड़ेगी औरतों को, नहीं रखोगे तो टैक्स दो। टैक्स कहाँ दें? पहले धन शिक्षा दिमाग पहले ही जिनका सब ले लिया, और ब्रेस्ट टैक्स दो, छातियाँ खुली रखो। मैंने कहा भाई हाँ, ये मेरे सामने अब ये दिमाग आया, पहले से मैं जानता हूँ। ये माइंड के कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए लोग बहुत से लोग कहते हैं कुछ भी करो, वो क्या कहते हैं, हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे बहन बेटियों के साथ ये किया गया। जैसे जूस की आज मेंटेलिटी है कि हमारे साथ ऐसा किया गया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कई बार देखते हैं ना कि वो कुछ सीरियल किलर लेडी मिलती है, क्राइम स्टोरीज में आप पढ़ते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर वो हर एक आदमी उनका दुश्मन लगता है एंड दे बिकम सीरियल किलर्स। फूलन देवी के साथ कुछ हुआ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ ही करना पड़े, एंड हर मेंटल कॉम्प्लेक्स परफॉर्म ए थिंग एन इवेंट। उसके मेंटल कॉम्प्लेक्स ने एक चीज घटित की जो उसने किया। ये सारे इसी तरह से हो रहे हैं। असल में तो ये आदमी की अज्ञानता है कि लॉ ऑफ कर्मा है, उसको पूरी तरह से नहीं जानता कि वह एक कर्म के बदले दूसरा कर्म करता है, एक्शन रिएक्शन का। उसमें ये पता नहीं चलता उसको कि यहाँ पर रुक जाना चाहिए, फिर नया कर्म हो जाता है, फिर उसकी नई रिएक्शन होती है। अरे भाई ये कर्णधार क्या क्यों कर रहे हैं, ये कर्णधार ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इनके साथ तो कोई अन्याय नहीं हुआ, किसी ने इनको लूटा नहीं, बेइज्जती नहीं किया। इनके दिमाग में भी मेंटल कॉम्प्लेक्स है लोगों। रेप्टिलियंस है या नहीं है ये तो एक आगे की बात है। जब लोगों के दिमाग में ये है कि हमारे साथ ऐसे हुआ, अब हम दुनिया को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो जिनको छोड़ने वाले नहीं हैं वे क्या करते हैं कि अब क्या करें, हम तो बचने वाले नहीं हैं, अब को क्या करें, हम तो बचने वाले नहीं हैं। फिर वे क्या करते हैं कि कुछ भी करो परंतु बचो, चाहे कुछ भी करना पड़े चाहे, लेकिन बचो। चाहे ईवीएम करो, चाहे पुलवामा करो, उसके लिए जरूरत है तो यूएपी बनाओ, किसानी बिल बनाओ 370 करो, सीए लाओ, कोरोना लाओ, एनडब्ल्यूओ में शामिल हो जाओ, एजेंडा 21 लूटपाट करो, प्राइवेटाइजेशन कर लो, 5G लाओ तो लाओ, चिप सबको लगानी पड़े। अरे भाई ये तो हमारे फायदे में है, चिप लग जाएगी तो फिर हम राजा ही बने रहेंगे।
इनके भी विचारों के मेंटल कॉम्प्लेक्स है, मरता क्या नहीं करता भाई, इतिहास में जो कुछ कर गया जो कर गया, अब जो नई जनरेशन आई है उसका क्या दोष है? क्योंकि उनका दोष ये है कि वही वो शैतानी सिद्धांतों को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं का जो फल है उसको खाते हैं। भाई इसका क्या इलाज है? इसका तो कोई अंत नहीं है। उसने ये किया, फिर उसने ये किया, फिर उसने ये किया, भाई ये तकलीफ़ है। और आज जो बड़ी भयानक सबसे बड़ी तकलीफ़ में मानवता पड़ी है, वह वास्तव में ऐसी तकलीफ है जो कभी नहीं थी और जो अति भयानक है। भाई इसका क्या इलाज है? या तो देश और दुनिया भुगते। और इसका इलाज फिजिकल नहीं है, इसका इलाज स्पिरिचुअल है। भौतिकता से आप इसको जीत नहीं सकते, क्योंकि इसको जीतने के लिए बड़े हथियारों की जरूरत पड़ रही है जो भौतिक दुनिया में नहीं है, वे आध्यात्मिक दुनिया में लाई करते हैं। अब भौतिक दुनिया आध्यात्मिक इसके बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिजिकली आप कुछ दूरी तक कुछ काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअली आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि लोग स्पिरिचुअल है नहीं और ढिंडोरा स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल का पीट रखे हैं। भारत में कितने मठ हैं, मंदिर हैं, कितने कितने लोग मैं वो हूँ, किसी ने ये नहीं चलाया, अरे इन औरतों पर तुम जिंदा क्यों जला रहे हो, पागल हो, और हम स्पिरिचुअल हैं, हम भगवान के पास बैठते हैं। अरे तुम काहे के स्पिरिचुअल थे, सारे समय में जूते खाते रहे मुट्ठी भर लोगों के, काहे की स्पिरिचुअलिटी थी ये? किसी भी स्पिरिचुअल ने संत महात्मा ने कहा कि ये रोको भाई रोको, कुछ लोगों के सिवाय जिनकी कुछ चली नहीं। इसलिए दोस्तों एक भयानक मंजर के सामने खड़े हैं, भयानक मंजर के सामने खड़े हैं। इसका कोई इलाज निकल नहीं रहा, फिजिकल में मुझे दिखता भी नहीं इसका ये यही इलाज है। अब क्या करें? वह अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, इसका यही इलाज है कि जल्दी प्रार्थना पर बैठो, ध्यान करो, परोपकार करो, गॉड रिमेम्बरेंस करो, पश्चाताप करो, अपनी गलतियों को सुधारो। जैसा मैं बोलता ही रहता हूँ लोगों के कि ये थैलियाँ कुछ काम नहीं आएंगी, ये अट्टालिकाएँ कुछ काम नहीं आएंगी, ये सत्ता कुछ काम नहीं आएगी, जरा आंखें खोलो लोगों। कहीं ऐसा नहीं हो 1947 में भारत में कुछ लोगों के साथ और पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ क्या भयानक मंजर हुआ, उससे भी कितना गुना हो जाए। मेरा सब ये कहने का मतलब किसी को डराना नहीं, लोगों को चेताना है। किसका एक ही इलाज है लोगों? प्रार्थना पर बैठो, ध्यान करो, गॉड रिमेम्बर्स करो, परोपकार करो, गलतियों को सुधारो और इन थैलियों को फेंक दो। इन थैलियों से उन्हीं का कल्याण करो जहाँ से ये थैली आई हैं, जिनसे ये छीन करके करोड़ों करंदर निकाल करके थैली आई हैं। छोड़ दो इस सत्ता को, ये सत्ता तुम्हें ही खा जाएगी, हजारों लोगों को ऐसे ही खा गए। इतना बड़ा वीडियो हो गया और अभी तक तो ये वीडियो शुरू भी नहीं हुआ, ये तो लास्ट वाला पार्ट भेजा था, बोला था यार जल्दी कर मंगल जल्दी कर, 3:22 हो रहे, मेरी नींद खुली और मैं उछल पड़ा, मैं जागते उछल पड़ा, क्यों? मुझे भगवान से बात करनी थी, लेकिन मैं क्या चिल्ला रहा हूँ, अरे छोड़ भगवान को से बात करना मंगल, छोड़ भगवान से बात करना। हाँ यार वो लोक सेवक जी ने, वो लोक सेवक जी हैं जम्मू वाले, उसको मैंने अभी तक षड्यंत्र नहीं भेजा, भेजता हूँ कर रहा हूँ और भेजा नहीं। क्या प्रकरण है ये? प्रकरण यह है कि मैं आजकल लोगों को षड्यंत्र दे रहा हूँ।
षड्यंत्र क्या है मैं बताता रहता हूँ और बताऊँगा। चलो मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ षड्यंत्र ये क्या है। ये एक थ्री डायमेंशन रिलेशन है, मिरेकल है, ये थ्री डायमेंशन मिरेकल है। लोग चौथे डायमेंशन पांचवे डायमेंशन की बात करते हैं, अरे पहले तुम अपनी तीन डायमेंशन तो पूरा कर लो, क्योंकि चौथे पांचवे को बिना इसको अच्छी तरह पास किए हुए चौथी पांचवी पहुंच ही नहीं सकते। ये षड्यंत्र आपकी कैसे हेल्प करेगा यही लिख लीजिए, है तो लंबा चौड़ा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। By ultimate law, it will take you to the door of divine. ये एक अल्टीमेट लॉ का रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको भगवान के दरवाजे तक ले जाता है। एंड एवरीथिंग इज इन डिवाइन, जब भगवान के दरवाजे तक ले जाता है और डिवाइन में सब चीज़ है, किसी को भी क्या क्यों कब कहाँ कैसे करना बनना देना लेना है, इस सारी चीज़ों को डिवाइन बताता है आपको क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें बिकॉज दिस इज द लॉ मॉडल एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्मांडा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द लॉ ऑफ ब्रह्मांडा, दिस इज द मॉडल ऑफ ब्रह्मांडा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्मांडा। फिर ये एक लंबा विज्ञान है, हमें जैसा पता चला थोड़ा सा हम आपको बताते रहते हैं। इस दुनिया में सब एक हाथी है, उसके बाल के छोटे से टुकड़े के बराबर जानते हैं कि यह हाथी क्या है। दिस इज द अल्टीमेट लॉ, इट विल टेक टू यू टू द डोर ऑफ डिवाइन एंड एवरीथिंग इज इन डिवाइन, किसी को भी क्या क्यों कब कहाँ करना कैसे करना है क्या बनना है लेना है देना है, बिकॉज दिस इज द लॉ, दिस इज द मॉडल, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्मांडा, इट डील्स विद एवरीथिंग, इट डील्स विद एवरीथिंग व्हाट इज इन ब्रह्मांडा। विषयंत्रा इट इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल फिनोमेना, बिकॉज देयर एवरीथिंग इज ए वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज माइंड, इन माइंड वाइब्रेशन, इन माइंड मतलब चेतना ही ये सारा संसार है। आपकी चेतना में आपके माइंड में वाइब्रेशन है, यही ये संसार है, उसी से ये दुनिया बनी है। इट्स पावर कम फ्रॉम इट्स सप्लायर क्रिएटर गिवर ओरिजिनेटर। इसकी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, इसकी शक्तियाँ आती हैं इसके सप्लायर से क्रिएटर से गिवर से ओरिजिनेटर से। एंड व्हाट ही इज पावरफुल ओनली गॉड नोज। इसकी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, ये ब्रह्मांड मास्टर फार्मूले से मैं शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, ये परमात्मा से आती हैं, क्योंकि उसी का ये है ला है मॉडल है एक्सप्रेशन है। जब आपने डिवाइन ला को जान लिया तो आपका भला हुआ। और इसकी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, आपकी एक्टिविटी से आती हैं, कि आप करते क्या हो, बिना करे कुछ नहीं मिलने वाला। और इसकी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, इसकी शक्तियाँ आती हैं परोपकार से। परोपकार से कैसे आती हैं भाई, यदि आपको किसी ने ये षड्यंत्र क्या मान लो एक पत्थर का टुकड़ा भी दिया, और वह देने वाला यदि कोई परोपकार में बिजी है, उसका कोई ग्रेट गोल है, सत्य करना दया क्षमा इत्यादि उसमें है, तो यदि वो चीज़ कोई चीज़ देता है तो षड्यंत्र क्या किसी भी चीज़ में या एक शब्द भी बोलता है तो उसमें दम होगा, उससे फायदे होंगे, बीमारियां दूर होंगी, कुछ भी हो सकता है उससे, लेकिन वह ईश्वर के पास बैठा हुआ होना चाहिए। ईश्वर के पास बैठने का मतलब कि वो डिवाइन लॉ को जानना चाहिए, उसे उसको डिवाइन एक्टिविटीज में बिजी होना चाहिए। और इन डिवाइन एक्टिविटीज में क्या कि डिवाइन चिल्ड्रन या जो ईश्वर के बच्चे हैं उनकी भलाई में बिजी होना चाहिए।
यह संक्षेप में इतना ही है। वह क्या है कि ये क्या है षड्यंत्र मैंने बताया, थ्री डायमेंशन मिरेकल। अब क्या था कि लोक सेवक जी ने एक काल के ऊपर किसी भाई नीडी भाई को 4000 भेजे, तो क्या हुआ कि मैंने भगवान छोड़ ओड़ भाई मैं तो पहले इनको दूंगा, पहले लेट हो गया। लोग कहते हैं षड्यंत्र नहीं मिला सर। फिर सुन लो, इस दुनिया में बिना कीमत के कुछ नहीं मिलता, और कीमत नहीं दी तो उसमें असर नहीं आएगा। इसका आंसर है कि चार्जेज नहीं भेजे होंगे। क्या है चार्जेज? हमारे षड्यंत्र के चार्ज हैं, भेजे हैं कुछ भी नहीं। ये कह दो बस एक धन्यवाद दे देना, वो भी मत दो, बच्चे हैं 0 रुपए से लेकर के 20 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग है। मंगल पैसे पर मत टूट पड़ो, एक आवाज आती है। तुम एक महान कार्य करना चाहते हो, पैसे पर मत टूट पड़ो। मैं पैसे पर नहीं टूटता। 35 साल पहले की घटना है, सुनो। तब मैं बैंक में मैनेजर पीओ लगा ही लगा था, और मैं इसी बीच ऐसे विचारों से ओतप्रोत था जैसे आज हैं। आपको व्यक्तिगत घटना एक दिन सुना रहा था मैं, जिसको मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहीं ना कहीं 2 नंबर से 25-30 हज़ार रुपये कमाए 35 साल पहले। 25-30 हज़ार रुपये मैंने बचा लिए। तो मैं तो 50-60 हज़ार रुपये उस समय हवा में उड़ने लगा कि अब तो दुनिया को बदल दूंगा, बदल कर रहूँगा। ये दुनिया बहुत बेकार है। संक्षेप में इतना सुन लो, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। आपका बच्चा है या आपकी घरवाली है या आपका कोई भी कोई कुछ भी है, यदि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि उस संबंध की वजह से करना चाहिए, तो ही आपका वो ऐसा है। आप बच्चे को खाना नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? उसके आप कोई पिता नहीं होते। लंबी कहानी है ये। कल हमारे एक गुप्ता जी पूछ रहे थे कि मंगल जी क्या ये मैं डिवाइन सेंटर से जो मैं भी खोल लूँ। मैं गदगद हो गया कि अच्छे अच्छे लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक हमारे दूसरी एक बेबी मतलब कम उम्र की लड़की पूछ रही थी कि सर मैं भी खोल लूँ। तुरंत प्रार्थना पर बैठो, खोलने में कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना स्थल, ध्यान केंद्र, एक्टिविटी सेंटर, जो भी काम करो अच्छा अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आप कैसे हैंडल करोगे, आप हैंडल कर सकते कि नहीं कर सकते। ये आग, ये बिजली, सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन नेगेटिवली हैंडल करने से ये नाश भी कर देती हैं। ये सत्ता कितनी बड़ी चीज़ है लेकिन ये सत्ता हजारों को खा गई। ये बिजली कितनी अच्छी चीज़ है, गलत टच करने से ये प्राणों को हर लेती है। दोस्तों काम जरूर करो, कोई भी करे। जो जिसके लायक है, गुप्ता जी इसके लायक हैं, ये पूछें नहीं पूछें, ये यहाँ मिशन ग्रेट इंडिया का बोर्ड लगा सकते हैं। भोले भंडारी बीच में लोगो, उसके नीचे छोटा सा मिशन ग्रेट इंडिया, हेड ऑफिस ये अलवर राजस्थान, ब्रांच ऑफिस इनका, ये हेड ऑफिस का नंबर ये और इनका नंबर ये। कुछ करो, भयानक को रोको। उस बेबी के लिए है कि आप सेंटर मत खोलना। आप गरीब मजदूर से आदमी किराए के कमरे में रहते हो, आप सिर्फ अपने कमरे में एक बोर्ड लगा लो, तुरंत प्रार्थना पर बैठो, भाई मिशन ग्रेट इंडिया मोबाइल नंबर इतना,
जो जो मिलता जाए अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, कह दो कि भाई अब भारत में लोग को प्रार्थना पर, सामूहिक कलेक्टिव प्रेयर पर बैठना है। कल हमारे ग्रुप की एक लेडी ने मुझे मैसेज किया, सर जी मुझे ऐसा विजन आया, सपना आया, क्या सारी सड़कें सूनी पड़ी हैं, कोई आदमी नहीं है, आदमी दिखाई नहीं दे रहे, बस पुलिस के बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं, क्या चक्कर है ये, क्या मार्शल ला लागू होगा, क्या कोई बड़ी आफत आएगी। मैंने कहा देवी, मैसेज किया, ये मेरे को कई महीनों से दिख रहा है, और बहुत से लोगों को ये दिख रहा है, इसलिए लोगों ध्यान प्रार्थना पर जल्दी बैठो, अपने यहाँ ध्यान प्रार्थना स्थल ध्यान केंद्र खोल लो। मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसा बोला है, लेकिन ये देख लो कि तुम क्या हैंडल करना चाहते हो, कैसे हैंडल करोगे, कैसे लोगों को, कैसे खुद को, इस बारे में आप जानते कि नहीं जानते आप मिशन ग्रेट इंडिया को, कि असली है क्या, कहीं अपने हाथों से नंगे बिजली तार के तारों को मत छू लेना, क्योंकि चीज़ें दुनिया में जितनी अच्छी से लगती हैं हैंडलिंग में वे इतनी अच्छी नहीं होती, दूर की चीज़ अलग है। ये तय है कि दुनिया पर यानी अपन लोगों पर भयानक कष्ट आएंगे, लेकिन हमें उसकी काट भी करनी मांगती है। जल्दी ध्यान प्रार्थना पर बैठो, गॉड रिमेंबर करो। मिशन ग्रेट इंडिया की जनवाणी, मंगलवाणी, देववाणी जरूर सुनो, उनमें सभी ये हैं। ईश्वर ने अपने बच्चों के लिए, जीवों के लिए देखो कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, सारे खजाने, सारे ज्ञान विज्ञान सब कुछ यहाँ बनाया है। तुम जंगल में हो और कुछ नहीं है तो जंगली जानवरों को मार कर खाओ, कुछ कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको दुनिया में भगवान ने क्या क्या दिया है। फिर छोटे छोटे कीड़े मकड़ों को, छोटे छोटे जीवों को मारकर खाते हो और उनसे त्यौहार मनाते हो, फिर आफत नहीं आएगी तो कैसे नहीं आएगी। सबको गुलाम बना दो, न रोटी खाने दो, न चलने दो, न पढ़ लिखने दो, आफत तो आएगी। सब वही करते जाइए जो यहाँ बोला जा रहा है, और सोच समझ कर, आज 26 तारीख है, पिछला वीडियो मैंने 24/7 का बनाया, अच्छा या बुरा था मैं तो नहीं कहता, आप देखना, लेकिन उसमें 10-15 घंटों में ही 2800 व्यूज आए, और पूरे 24 घंटों में, अगर नेक्स्ट 24 घंटों में सिर्फ 100 व्यूज आए। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय देम। कहते हैं कि हर एक कोई अच्छा विचार आता है, अच्छी चीज़ आती है, अच्छा इन्वेंशन आता है, उसको सबसे पहले शैतान उस पर अधिकार कर लेता है। यहाँ देखो भगवान ने क्या चीज़ दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, यह वह स्पुतनिक, सबसे पहले शैतान उन पर अधिकार कर लेता है। इन सभी के सॉल्यूशन इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में हैं। इस समय आपको सिर्फ प्रार्थना पर बैठना, ध्यान करना, गॉड रिमेम्बरेंस करना, परोपकार करना, ज़्यादा समय बचा नहीं, क्योंकि हमने समय निकाल दिया और अभी भी निकालते जा रहे हैं। भारत में ये जो शैतानिक फोर्सेज हैं, ये भी क्या करें, नहीं करें तो ये मारे जाएंगे। अब इसको ईश्वर किसको बचाएगा, किसको नहीं, ये परमात्मा के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ करके पहले यहाँ ये काम करो।
पूरी तरह से सब कुछ मत छोड़ो, लेकिन ये भी हो कि हम कैसे बचें। अभी भी समय है, जब तक सांस तब तक आस। कहते कहते भी वीडियो मेरे लंबे हो जाते हैं, सॉरी भाई, किसी को बुरा लगे तो क्या करें। ये तो मैं काट छांट करके थोड़ा थोड़ा सा बोलता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।